हाय गाइस, ये वीडियो स्पेशली प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ये किसान भाइयों के लिए बनाया गया है। और इसमें आइए समझते हैं कि किसान ये मानधन योजना किस लिए है और किन के लिए है। ये किसान मानधन योजना उनके लिए है जो छोटे किसान हैं और मध्यम वर्ग के किसान हैं। किसान का उम्र होना चाहिए 18 साल से लेकर 40 साल के बीच, और किसान के पास जो जमीन हो वो 2 हेक्टेयर तक होना, यानी 2 हेक्टेयर से कम और 2 हेक्टेयर तक हो। और जो इसमें आपका पेंशन, जो 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगा, वो एश्योर्ड पेंशन होगा 3,000 रुपये महीने के हिसाब से, है ना। और जो इसकी किस्त जाएंगी वो हर महीने के हिसाब से आपकी किस्त जाएंगी। तो आइए जानते हैं कि आपकी इसकी किस्त हर महीने के हिसाब से कितनी जाएगी। अब जैसे मान के चलें कि अगर किसान भाई का उम्र 18 साल है और वो 60 साल तक अपना जमा कराना चाहते हैं, यानी कि अपनी उम्र 60 साल जब उनकी हो जाए, तो उनका जो हर महीने की जो किस्त कटेगी वो 55 रुपये इनके अकाउंट से कटेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी वो 55 रुपये देगी। तो यानी इसके हर महीने इनके अकाउंट में 110 रुपये जमा होगा। ऐसे ही धीरे धीरे आप देखेंगे ये चार्ट 2 रुपये से 3 रुपये से लेके 5 रुपये कभी बढ़ रहा है, यानी एज के हिसाब से, और 10 रुपये तक एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें 18 साल तो 55 रुपये जाएगा महीने के हिसाब से कंट्रीब्यूशन, और अगर 40 साल के हैं तो 200 रुपये महीने के हिसाब से जाएगा, 200 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 400 रुपये इनके पेंशन अकाउंट में जमा होगा। अब आइए बात करते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 18 साल से लेके 40 साल के बीच होना चाहिए, उनका 2 हेक्टेयर या उससे कम इनकी जमीन होनी चाहिए, और किसी भी किसान भाई का नेशनल पेंशन स्कीम में या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना स्कीम में या ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पेंशन स्कीम में उनका रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। वो उनका कोई पीएफ अकाउंट नहीं कटा होना चाहिए, किसी कर्मचारी का जैसे पीएफ होता है उस तरीके से इनका नहीं कटा होना चाहिए, ठीक है। और वो आईटीआर ना भरते हों, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हों, ये शर्तें हैं कुछ, जैसे आप देख रहे होंगे शुड नॉट बी, तो ये सारी डिटेल यहाँ तक लिखी होंगी। तो मैं मोटे मोटे भाषा में समझा देता हूँ कि आईटीआर इनका नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई पेंशन स्कीम में इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इनके पास अप्लाई करने के लिए क्या क्या जरूरतें होती हैं, तो किसान भाई के पास आधार कार्ड होना जरूरी है और सेविंग बैंक अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जब ये अप्लाई करेंगे तो इनका ये कंट्रीब्यूशन इन्हीं के हिसाब से इनका हर महीने इनके अकाउंट से कटा जाएगा। और ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, ये फॉर्म आपके नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी, जहां जनसेवा केंद्र है, वहां से ये भरवा सकते हैं आप। और वहां पे सिंपल आपको आधार कार्ड और एक अपना बैंक की पासबुक लेके जाना होता है, है ना। और वहां पे एक आपका फॉर्म फिल होगा, अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तो एक फॉर्म प्रिंट होगा, उस फॉर्म पे आपको साइन करना है। ध्यान रहे कि साइन वही होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट में साइन है, एज इट इज वही साइन करना है, और स्कैन करके वो अपलोड हो जाता है, यानी कि वो हर महीने ऑटोमेटिक आपके उस सेविंग अकाउंट से उतने पैसे कटेंगे। जब आपके पैसे मिलेंगे, इस बात का ध्यान रहे, जब आप 60 साल के पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपके अकाउंट में ये पैसे पेंशन के रूप में मिनिमम 3,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा। तो अपने नजदीकी किसी भी सीएससी वैली या सीएससी सेंटर में जाके वहां से ये आप अप्लाई करा सकते हैं। ध्यान रहे आपकी जो एज के हिसाब से जो पहली किस्त आएगी, वो पहली किस्त रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको वहीं पे सेंटर पे जाके पहली किस्त खुद जमा कराना पड़ता है, दूसरी किस्त ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से हर महीने कट जाएगा। थैंक यू गाइज। और आप लोग चाहते हैं और भी ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप लोग किस तरह का और भी इंफॉर्मेटिक वीडियो चाहते हैं। उसी तरह का आपको इंफॉर्मेटिक वीडियो और भी आगे मिलता रहेगा। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग। और अपने घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना वायरस से बच के रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।